सर जी, ये अब तक का आपका सबसे बड़ा कॉन्सर्ट है। आपकी पूरी फैमिली आई है, लेकिन आपकी वाइफ और बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इतने बड़े और खास मौके पर वो आपके साथ क्यों नहीं आई? लगता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे के एग्जाम है ना, एग्जाम टाइम है, तो लवली तैयारी करवा रही है उसकी। बट सर, मेरी जरूरत अंदर है, तो मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। फोटो खींचने वाले बहुत सारे भैया भी है, लेकिन मेरे गांव के मेले में तो सिर्फ एक ही भैया आते थे। OMG, ये तुम्हारे फोटो खींचने वाले भैया नहीं है, ये फोटोग्राफर्स हैं। और रेड कार्पेट पे ऐसे मुंह खोल के नहीं चलते, रेड कार्पेट पे ऐसे चलते हैं एटीट्यूड के साथ। अमीरी जी, ध्यान से, मेरी माँ कहती थी कि आसमान में ऊपर देखकर चलने वाले अक्सर गड्ढे में गिरते हैं, इसलिए ध्यान से आप मेरी सुनिए। ये एटीट्यूड चैटीट्यूड छोड़ी और सीधा ही चली। अरे अमेरे जी, कुल्फी की आवाज। मुझे ऐसे ही लगा होगा, इससे पहले कि यहाँ गाना बजाना शुरू हो, मुझे सिकंदर जी से मिलना होगा। सर को कुछ नहीं चाहिए, तू जा। पाजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा सिकंदर जी से मिलना बहुत जरूरी है। सुन बे, इधर ना हर कोई नहीं आ सकता, चल निकल। और सर के पास ना तेरे से बात करने का फालतू टाइम नहीं है। ओ, मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा। आप लोग समझते क्यों नहीं हो, मेरी कुल्फी खो गई है और सिकंदर जी है जो कुल्फी को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। तू तो बिल्कुल ही क्रैक केस है, सर के पास ना मेरी कुल्फी ढूंढने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब निकल यहाँ से, मैं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। रहम करो पाजी, तो रब दवास्ता, मेरे पास यही एक मौका है। तो तू यहाँ से ऐसा नहीं जाएगा पाजी। पाजी, तो यहाँ से ऐसा नहीं जाएगा, निकल बाहर। ये बड़े से चाचू किसी को ऐसे धक्का क्यों मारे? पाजी, 2 मिनट, बाहर निकल। बेचारे वो चाचू पड़े हैं, दोनों ने उनको भगा दिया। बहुत अच्छा करने वाली है जमायरा, सब सब ठीक हो जाएगा। मिंटी, चलो जाकर चेक करते हैं साइस ने सारी अरेंजमेंट ठीक से किया है कि नहीं। या ओके फाइन, ओके चलो। कुल्फी, तुम मोम और अमायरा के साथ यही रहेंगे, ओके? आपके बाल में ये जो झड़ने लगे हैं ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो आपके बाल नहीं, देड़ी ऊन है।
क्या होता है वो? मतलब जब कपड़े में से एक धागा निकल रहा हो और उसे बर्र से खींचो तो वो बर्र से खिसा चलाता है, फिर बर्र 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 उसे उतारना कहते हैं। इसे ऊन नहीं बीच वेव्स कहते हैं, समझे उदास बीन? हाँ, आपको दर्द हो गया मेरे जी। अंगदा है, अंगदा है, अंगदा है। हाँ मेरे जी, अपना ये गुस्सा छोड़िए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आप तो बहुत नो गो अवे है जी। जाओ। अरे वो कह रही है जा तो जा ना, भगवान के लिए हमें परेशान मत कर, जा। लेकिन वो मैं तो अरे जा। हम इस रूम में ये जो माइक लगा है वो बाहर स्टेज पे साउंड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जब अमायरा स्टेज पे जाएगी तब उसका माइक काम करना बंद कर देगा और आवाज यहां से सिर्फ उसी की जाएगी जो यहां गाएगा। वंडरफुल, परफेक्ट साइरस, परफेक्ट, यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था। Oh my God! Oh my God! Ayurappa! Ayurappa! I know, आज बहुत old लग रहे हो ना? Old लगे मेरे दुश्मन? मैं तो अब भी जवान हूँ, लवली की बहन लगती हूँ, वो भी छोटी वाली, समझी? तो फिर आप किस बात पे चिल्ला रहे थे? अरे वो कुकुर कुल्फी, पता नहीं कहाँ चला गया। My God! Dirty boy कहाँ गया? और अगर dirty boy खो गया, तो मेरी कुकुर में सब क्या होगा? वो तो मेरी लाइफ ही ओवर कर देंगी। मैं पहले से ही जानती थी ये कोई प्लान नहीं, सियाप्पा है सियाप्पा। अरे टाइम बम है, कभी भी फट सकता है। अरे रब्बा, ये बम अब ना फट जाए। गुंजन, तुम्हें साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो और ये रंग तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ना, क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी लेने की? कितने पैसे खर्च कर दिए आपने? नहीं किए। हम्म, फिर भी ये साड़ी तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें वो पिंकी याद है? पिंकी? हाँ, जो चंडीगढ़ में मेरी स्टूडेंट थी, जो आपसे संगीत सीखा करती थी। उसी ने तुम्हारे लिए भेजी है और स्पेशली लिखा है मेरी प्यारी चाची के लिए। कुल्फी, मैंने उसे भी देखा। बेबे वो तो घर पे है। इन्ना बड़ा से अब्बा, ये कोई महफिल नहीं है, ये तो बड़े बड़े लोगों का मेला है। पर यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन मेरे पापा है और कौन बट्टे बट्टे गायक है? माता रानी, मेरी मदद करो। अरे तुम अमर साहब को नहीं जानते हो? इतने बड़े गायक हैं, वो सामने बैठे हुए हैं, उनको ये ड्रिंक दे दो, जाओ। मामा से कहते थे जब मांगे चिड़िया दाना पानी दे देती है माता रानी। जय माता रानी। एक बच्चे पर नजर नहीं रख सकते आप, कहाँ गया कुल्फी? और डैम बेब, आप पैनिक हो रही हो, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि इस प्लान में इतना रिस्क है कि कुछ ना कुछ। शेक इट ऑफ मिंटी। पर मैं पूछ रही हूँ लवली, कुल्फी से लाइफ गंवाना ही क्यों था? पिछली बार की तरह उसे प्लेबैक करवाती ना। आपको क्या लगता है मैंने सोचा नहीं क्या इस बारे में?